अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है, और वो है इन द मूड ऑफ। तो बताएंगे आप लोग इन द मूड ऑफ का यूज किसके सेंस में करना है? इधर देखते रहो सब लोग। हाँ, मन कर रहा नहीं देखो, हाँ मूड में हूँ, इन द मूड ऑफ। आदमी कहता है ना यार मैं पता नाचने की मूड में, डीजे बज रहा है यार, अब रहा नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो चलो, इन द मूड ऑफ का यूज करना है के मूड में हूँ। और एक चीज और है, इन द मूड ऑफ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगानी है तुमको। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप लोग को बनाना है। जैसे मैं कह दूँ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के मूड में हूँ, तो आई एम इन द मूड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस टू यू। क्लियर है? या टू ऑल ऑफ यू, ये भी। चलो अब आप लोग बताएंगे। चलिए फिर एक एक लोग बताना, थोड़ा लाउडली बताने का प्रयास करना। आप बताइए सबसे पहले। मैं खेलने के मूड में हूं। गुड, आई एम इन द मूड ऑफ प्लेइंग, बहुत अच्छा प्रयास। चलिए आप बताइएगा, मैं सोने के मूड में हूं। बहुत अच्छा, आई एम इन द मूड ऑफ स्लीपिंग। आप ऐसे कुछ भी बना सकती हैं। मैं खाने के मूड में, आई एम इन द मूड ऑफ ईटिंग। चलो आप बता दो भाई। ठीक है, मान लो आप देखने से गुस्सा लग रहे हो और आप कह रहे हो मैं सर मैं लड़ने के मूड में हूँ। गुड, आई एम इन द मूड ऑफ फाइटिंग। फाइटिंग समझ रहे हो, बहुत पंगा है, क्वेरलिंग थोड़ा वाला है और फाइटिंग नेक्स्ट लेवल का है। नहीं समझे? क्वेरल का भी मतलब तो लड़ना होता है, तो क्वेरल मतलब ठीक है, कम वाला, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फाइटिंग का फिर भाई खतरनाक वाला। ठीक है, चलो आप बता दो, मैं मोबाइल खरीदने के मूड में हूँ। बहुत अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास क्या यार, अच्छा ही है, अब इससे अच्छा क्या होगा। क्लियर है? आई एम इन द मूड ऑफ बाइंग। बस अब अच्छा थोड़ा करने की आवश्यकता ये है कि आप लोग को, देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन क्या करो थोड़ा ऐसे लाउडली बोलने का प्रयास करो, और बोलते समय ना कॉन्फिडेंटली लाओ। देखो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, जैसे क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा आप बोल नहीं पाओगे। जैसे कॉन्फिडेंस रहेगा तो जैसे आप क्लास में बोल सकते हो, सर आई एम नॉट इन द मूड ऑफ प्लेइंग, है ना, सर मैं खेलने की मूड में नहीं हूँ, बिकॉज आई एम इन द मूड ऑफ स्टडिंग नाउ, क्योंकि मैं अभी खेलने वो पढ़ने के मूड में हूँ। हाँ, पढ़ने की मूड में हूँ, ऐसे आप बोल सकते। अगर कॉन्फिडेंट रहेगा तो स्वाभाविक है भाई। आप जैसे देखो, आप साउथ मूवी देखी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखी होंगी, है ना। तो साउथ मूवी में क्या होता है, जनरली बीच बीच में ऐसे इंग्लिश के वर्ड इंक्लूड करते रहते हैं, और वो जो बोलते हैं ना हिंदी में ही बोलते हैं लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। आप देखे होंगे जैसे कहीं होता है, आपने जैसे मैंने भाई पेन है, या आपसे कहा पेन है, तो आपने कहा आई डोंट हैव एनी पेन, यार मेरे पास पेन नहीं। ठीक है, एटलीस्ट आपने ट्राई किया। क्लियर है? तो इस तरह से बोलना है। तो चलो एक लास्ट सेंटेंस मैं पूछ रहा हूँ। मान लो मैं कहना चाहूँ कि देखो बोलते बोलते मैं थक गया, मैं पानी पीने के मूड में हूँ, और इसे बताएंगे आप बताना। गुड, आई एम इन द मूड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन मैं कह दूँ मैं दारू पीने के मूड में हूँ, तो आई एम इन द मूड ऑफ ड्रिंकिंग। ध्यान देना, ओनली ड्रिंक का मतलब होता है दारू पीना, ड्रिंक वाटर मीन्स होता है पानी पीना, ड्रिंक मिल्क मीन्स होता है दूध पीना। अभी जैसे लोगों को आप सुने होंगी ड्रिंक करके आए हैं, ऐसा लोग पी कर आए, और इंग्लिश में ड्रिंक किए हैं, तो ड्रिंक मतलब शराब पीना होता है। आप बोल सकते हैं ड्रिंक द वाइन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आया? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए भाई बोल दो, हाय कर दो सबको, बाय। चलो ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।